हेलो गाइस, दिस इज केबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, काफी सारे लोगों की बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई CO2 पिस्टल लेके आओ, CO2 रिवॉल्वर लेके आओ। तो भाई, आप सभी के रिक्वेस्ट पे आपका भाई जो है लेके आ गया CO2 रिवॉल्वर, जो कि डैन वेसन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैन वेसन लिखा हुआ है इसमें। और आज जो हमारे पास कलर है गाइस, वो ग्रे कलर है, डार्क ग्रे आप बोल सकते हैं। 4.5 mm कैलिबर, मतलब खुशी की बात है भाई, यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और कुछ चीजें मेंशन है यहाँ पे, आपको पहले दिखाता हूँ, जैसे कि डैन वेसन। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एसेसरी रेल लिखा हुआ है, यहाँ पे एसेसरीज रेल ये है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इंडिविजुअल सीरियल नंबर, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पिस्टल का अलग अलग सीरियल नंबर होने वाला है। 6L स्पीड लोडर जो है ये चीज है। कंफर्टेबल रबर ग्रिप, तो रबर ग्रिप जो हमको ग्रिप मिलने वाली है वो ग्रिप है रबर की। CO2 टूल इन ग्रिप, तो ग्रिप के अंदर जो टूल होता है CO2 सिलेंडर को लोड करने के लिए वो यहाँ पे है। बीबी रिवॉल्वर, इसमें पैलेट्स नहीं लगता, यहाँ पे आप देखेंगे स्टील बीबी लिखा हुआ है और पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है भाई, टेंशन नहीं है, बिंदास यूज करो। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो साइज है 242 mm की है। इसका जो वेट है 1060 ग्राम, मतलब 1 किलो 60 ग्राम का है। 4.5 mm कैलिबर का है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैगजीन की जो कैपेसिटी है, सिक्सर है तो 6 राउंड, रिवॉल्वर है तो 6 राउंड आपको बताइए। ABS और मेटल का बना हुआ है। 2.1 जूल इसकी जो पावर बोल लें आप, एनर्जी बोल लें आप इसको। और वेलोसिटी जो है इसकी 361 FPS की है, तो काफ़ी पावरफुल है। तो गाइस, ये हो गया बॉक्स के बारे में, हम इसको करेंगे ओपन। भाई हो जा ओपन, सॉरी टेप लगा हुआ है, मैं कट कर देता हूँ। तो गाइस, ये हमारा हो गया ओपन। तो गाइस, सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलता है यूज़र मैनुअल। तो गाइस बेसिकली ना, ये अपन इंडिया वाले लोगों के लिए क्या है ना, हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, किसी को देखते हैं तो उनके सामने ही चलाते हैं और कोई आ रहा जा रहा वहीं पे चलाते हैं। तो ये बेसिकली अपन लोगों के लिए है, इसका यूज़ आप करें, बोल रहे हैं कि सेफ्टी से ध्यान रखें, गन्स है बहुत पावरफुल है। और यहाँ पे गाइस दिया हुआ ऑपरेशन मैनुअल या इंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हैं, यूज़र मैनुअल बोल सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या सेफ्टी लॉक है, कैसे CO2 लोड करना है और आपको स्पीड लोडर को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं साइड में, इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको चाहिए मेन सामान। तो गाइस, यहाँ पे हमारा रिवॉल्वर है, 2.1 जूल है। तो गाइस, सबका एक सीरियल नंबर होता है, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसको मैंने फिलहाल हाइड करके रखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ये इसका एमिंग पॉइंट है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा ये एडजस्ट होता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, पूरा का पूरा मेटल है। 1 किलो मैंने इसका वेट आपको बता दिया है। और सेल को हम बाहर कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। सेल को बाहर करने के लिए इसको प्रेस करना है, इसको यहाँ से पुश करना है, पीछे से सेल आ गया बाहर। और ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है भाई, जब रिवॉल्वर है तो मज़ेदार जो इसकी चीज़ होती है ना, ये बहुत मज़ा आता है ये करने में। तो गाइस, ये हमने कर लिया, और आपको निकालना है तो सेल सारे के सारे ऐसे आप बाहर निकाल सकते हैं। और इसमें बीबी तो फिलहाल मैंने लोड किया हुआ है, आपको बीबी को क्या करना है गाइस, बीबी एक एक लेना है और इसको दबा देना है, इसके अंदर आप इसको ऐसे लोड कर सकते हैं। देन आपको अगर डालना है वापस, तो आप कुछ इस तरह से ऐसे इसके अंदर एक एक डाल सकते हैं। ये डालने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, बेसिकली इसको पकड़ के इसको पुश करना है, या आप डायरेक्टली ऐसे दबाएंगे तो भी दब जाएगा। इसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लेजर वगैरह कुछ लगा सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ था आप देख सकते हैं। एसेसरीज रेल दिया हुआ है, एसेसरी रेल मतलब ये इसी को बोल रहा है एसेसरी रेल, ओके। इंडिविजुअल सीरियल नंबर, मतलब इंडिविजुअल सीरियल नंबर आपका यहाँ पे है। 6L स्पीड लोडर, तो स्पीड लोडर के बारे में हम आपको बताएंगे आगे। रबराइज ग्रिप, मतलब रबराइज ग्रिप ये है, ये इसका हैमर, इस तरह से यूज करते हैं इसको, जैसा फायर करेंगे इस तरह से दबाएंगे तो आपकी गोली चलने वाली। और गन्स की बात है तो भाई सेफ्टी है फर्स्ट यहाँ पे, और सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया सेफ्टी लॉक, इसको आप आगे कर देंगे आपका सेफ्टी लॉक हो जाएगा, ये काम करेगा ही नहीं, आपको देन फिर प्रेस करना है इसको पीछे और उसके बाद चलाना है आपको कुछ इस तरह से। इसके बाद गाइस, मैं आपको बता देता हूँ स्पीड लोडर को कैसे यूज़ करते हैं। जब आप स्पीड लोडर, वैसे होता क्यों, आपने मान लीजिए सेल निकाल लिया और आपको लोड करना है, एक 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 बहुत टाइम लगने वाले हैं, तो क्या करते हैं हम पिस्टल को रखते हैं साइड में, ये सारी की सारी बुलेट को लोड करते हैं स्पीड लोडर में। तो गाइस, स्पीड लोडर में कैसे लोड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, बेसिकली ये है स्पीड लोडर, ये फाइबर का बना होता है। इसका यूज़ बताने का रीज़न क्या है गाइस, यूज़ बताने का रीज़न सिर्फ ये, लोग क्या है ना उल्टा पुल्टा दबा देते हैं और ये प्लास्टिक का है, ये फाइबर का है, टूट जाता है। बेसिकली आपको कुछ इस तरह से बुलेट्स को इसमें लोड करना है, या बुलेट्स कह लें आप, सेल कह लें, कुछ भी कह लें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
लोड करने के बाद आपको इस चीज को ऐसे पकड़ना है, ऊपर प्रेस करना और घुमा देना, टर्न कर देना थोड़ा सा। भाई ये हो गया तुम्हारा लॉक, अब ये गिरेगा नहीं, बिंदास इसको रख लो। और स्पीड लोडर से फायदा ये है, आपको लोड करना है, इसके अंदर आपको डालना है। मैं इस साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ एक मिनट, ताकि आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ आए। हाँ, इसको ऐसे करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको दबा देना है। भाई पूरा का पूरा आपका लोड हो गया बुलेट, और ये रेडी टू फायर है। इसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है ना CO2 सिलेंडर कहाँ लगता है। CO2 सिलेंडर लगाने के लिए गाइस इसको, ये वाला जो हिस्सा है आपको इसको खोलना है। फर्स्ट टाइम है, मे बी आपको खोलने में थोड़ा सा कड़ा लग सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया हुआ था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखिए CO2 टूल इन ग्रिप, तो CO2 टूल इन ग्रिप बोलने का मतलब ये है कि CO2 सिलेंडर लोड करने के लिए आपको टूल जो दिया हुआ, ये है पाना बोल लो आप इसको, कुछ भी बोल लो, ये चीज़ें, इससे CO2 सिलेंडर लोड होता है। और CO2 सिलेंडर कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस बेसिकली ये CO2 सिलेंडर, और इसको लोड करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको लोड कर सकते हो। इसको सिंपल इसके अंदर डालना है आपको, कुछ इस तरह से अंदर डाल दिया। तो गाइस बेसिकली हमने इसमें सिलेंडर डाल दिया, और हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद जैसे गैस लीकेज की आवाज़ आएगी तो हमको जल्दी से टाइट करना है। ओके, देखिएगा वैसे ही मैं करता हूँ इसको। तो अब ये देखिए गैस की आवाज़ आएगी मे बी, ये देखिए। तो हमको क्या करना है, इसको जल्दी से टाइट करना है। गैस की आवाज़ आ रही मतलब हमको स्लो टाइट नहीं करना, नहीं तो हमारा गैस जो है वो बाहर आ जाएगा। जल्दी से हमने टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसको लगा देना है और वापस इसको ऐसे कर देना। और गाइस एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप CO2 लोड कर रहे हैं तो आपका ये जो सेफ्टी लॉक है, ये सेफ्टी लॉक ऑन होना चाहिए, ताकि आपका लोड करते समय फायर ना हो। ठीक है, अभी गाइस ये रेडी टू फायर है हमारी। आप इसको जब भी चाहें इसको ऐसे लॉक करके आप रख सकते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक सिलेंडर लगाने के बाद तकरीबन गाइस इस पिस्टल में आपको 80 शॉट मिलने वाला, यानी 80 शॉट तकरीबन लगने वाले हैं। और इसकी रेंज की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 मीटर तक इसकी रेंज होती है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे 357 मैग्नम लिखा हुआ है, और ये मेड इन ताइवान यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी गाइस, बहुत ही सॉलिड है, आप देख सकते हैं क्वालिटी सुपर से जो ऊपर बोलते हैं ना, आप जब पैसे खर्च कर रहे हैं वो वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। ग्रिप भी बहुत ही सॉलिड है गाइस, बाकी लोकल पिस्टल में होती है ग्रिप ऐसी होती है कि आप पकड़ लें कुछ दिन बाद आपका पसीना आने लगता है तो हाथ फिसलते हैं आपके, और यहाँ पे एक ग्रिप जो है वो आपके फिसलने नहीं वाली है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर आपको ग्रिपिंग मिलेगी। आप देख सकते हैं मैं पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। तो गाइस बेसिकली लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपने CO2 पिस्टल दिखाया या पिस्टल दिखाया या कुछ भी दिखाया, आपने फायर करके नहीं दिखाया। तो अभी मैंने इसमें सिलेंडर लोड कर लिया, तो भाई सिलेंडर लोड कर लिया तो फायर तो बनता है। तो एक राउंड आपको फायर करके दिखाता हूँ, आप साउंड इसके सुने कैसे है साउंड। तो गाइस आपने मे बी साउंड सुना, दूसरा फायर करता हूँ, आपने साउंड सुना, बहुत ज़बरदस्त साउंड है गाइस। आप चाहे तो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करें, अपने पास रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं है, बिंदास आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे आना जाना कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और गाइस अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, डायरेक्टली कॉल करके बाय कर सकते हैं। प्राइस भी वहीं पर लिखा हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा। और गाइस टाइम पास वाले हाथ जोड़ के विनती आप सभी लोगों से, दूर रहें। और वीडियो पसंद आई तो भाई लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे ऐसी पिस्टल आप लोगों के लिए लाता रहूं।